बट आखिरी में ये फाइट कुछ गलत ही रहने वाली है। अब पता नहीं इसको हम लोग कास्ट कैसे करें, लाइक दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम आई फॉर थिंक मी वी शुड ऑल्सो। लेट इट नॉट बियर 11 को भी करने के लिए। और आई थिंक एक अच्छे पंच फाइट हो रही है, बट फाइनली वही तो, फिर 1v2 बचा, फिर जोन भी आ रहा था, लाइक श्रिंक हो रहा था, तो उसको ट्राई किया वहां पे फेस करने का, लेकिन नहीं हुआ। फिर मेरे मतलब दोनों ही गना नहीं अपनी। के एरिया से ऊपर आना, पीछे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स हैं, वो भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आगे बीटीआर है और ऑरेंज रॉक के गिल यहां पर स्पॉट कर चुके हैं, बस शॉट्स नहीं लिया अभी के लिए। टी1 के मिसाइल ने सिनर्जी के ऑस्टिन को फिनिश ऑफ कर दिया है सीधा। आईएनटी 420 टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को लेकर जा चुके हैं, मैट टॉय को भी लेकर जा चुके हैं 420 ओपी, और 420 ओपी मैट टॉय को फिनिश ऑफ भी कर चुके हैं। खैर देखिए, ऑरेंज रॉक के मावी उन प्लेयर्स को दबोचना चाहते हैं जो पानी के अंदर ऑलरेडी अपनी हेल्थ लेकर जा रहे हैं नीचे। मैं तो बोलूंगा कि क्रेटोस खुश रहेंगे 420 ओपी को खिला के, बिकॉज जिस तरीके का उन्होंने इंक्लूजन करके वो वैल्यू फॉर द किल, जो हम लोग बोलते हैं ना, अपना किल इतनी आसानी से ना देना और उस किल का यूटिलाइजेशन करना, बट ट्रांस ने यूटिलाइजेशन जरूर करा है। टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को पूरा फिनिश करके राइजन भी अपना किल कंफर्म करेंगे आर आर क्यू के प्लेयर, वन बाय वन दे आर गेटिंग फिनिश, बट और गिल पेमेंट को पूरा फिनिश करेंगे, बट वैल्डस के मार्टिन नॉक डाउन हो जाएंगे जॉनथन के द्वारा, मिड रेंज स्प्रे वहां पे उन्होंने डाला था, बट इंस्टेंट प्रोन होकर अपने लिए कवर भी बनाया, बट वाइल्डर्स वर्सेस टीम टीएसएम एंटिटी होता नजर आएगा। वेलमॉथ अकेले रह जाएंगे बिकॉज नियो है सामने और पीछे से क्लच गॉड का कवर फायर पे देखते हैं, वेलडस का गॉड निकालेगा, बट एक जंप शॉट निकालो बट नियो हो जाएंगे नॉक डाउन पीछे से, एडीएस बाहर था, क्लच गॉड भी नॉक डाउन हो जाएगी। ये फाइट टीएसएम एंटिटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है बिकॉज एक ही प्लेयर क्लोज एनकाउंटर बचे, जी गॉड एक जंप शॉट जरूर मारा, 1 HP बचे वेलमॉथ, बट पीछे से एडीएस अब काम नहीं आने वाला गोडार्ड का बिकॉज अब मार्टिन भी नॉक हो चुके हैं, वेलमॉथ भी किए जाएंगे फिनिश, जी गॉड देंगे रिवाइव नियो को बिकॉज क्लच गॉड हो चुके फिनिश। अब देखते हैं जॉनथन, अब वो आ चुके हैं क्लोज एनकाउंटर, अब पीछे कंटेनर्स में जो प्लेयर थे गोडार्ड था, आम जॉन को तो नॉक डाउन, अब रिवाइव भी मिल चुके हैं, बट मेन प्लेयर अब ये फाइट से फाइट धीरे धीरे कम हो रही है, जा रही है उनके हिस्से से दूर। आप देखिए जॉनथन ग्रेनेड्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वेल्डस के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो सकती है, मार्टिन पहले ही डाउन हो रखे, ग्रेनेड से यहाँ पर दरवाजा फोड़ा गया, नियो एक प्लेयर को और डाउन कर चुके, इट्स जस्ट वन प्लेयर सर्वाइविंग फॉर वेल्डस। आम जॉन कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे जब आपके सामने तीन प्लेयर्स होते हैं? ऑरेंज रॉक भी इस फाइट में आ चुके हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं पीछे के एरिया से, और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स तैयार है अपने फाइट निकालने के लिए। 3 kills इस टीम के पास है, 14 kills, 5वां kill, 6ठा kill इनके सामने हो सकता है, ये नॉक प्लेयर को फिनिश कर भी किल्स ले सकते हैं। मावी आगे जा चुके हैं, गिल और वीरू एक एरिया पर अपने आप को देख रहे हैं, स्काउट पूरा फ्लैंक कर चुका है, घेरा जा चुका है यहां पर से इस एरिया को, अगर आप देखें वेल्डस के प्लेयर्स घिरे हुए हैं, टीएसएम के प्लेयर्स घिरे हुए हैं, ग्रेनेड्स कर रहे हैं पीछे से वीरू अभी के लिए ताकि नियो को और डैमेज दिया जा सके, गॉडार्ड का भी किल वहां पर जस्ट पड़ा हुआ है, वीरू अगर चाहे तो वो किल भी अपने हिस्से में ले सकते हैं, और कोशिशें पूरी जारी है, वीरू अब जी गॉड को यहां पर स्पॉट कर लेंगे, टेक डाउन किया जाएगा काफी अच्छे तरीके से, डिनाइड और यहां पर फिनिश ऑफ भी किया जाएगा, बग्गी भी पीछे रुक जाएगी, ऑरेंज रॉक के गिल ही इज ऑन द रोल, बिल्कुल गिल के पास जाएगा जी गॉड का कवर, नियो अकेले प्लेयर बचे हैं, गोडार्ड है, गोडार्ड हो जाएंगे फिनिश, नियो को मिल जाएगा उनका किल, बट वीरू बहुत ज्यादा ऊपर में चले गए, उन्होंने मिस रीड करी फाइट, बान हाउस में ऊपर दो प्लेयर थे, आम जॉन इज लास्ट मैन स्टैंडिंग, अब ये फाइट आती है दो प्लेयर मावी, अब मैं बोलूंगा ऑरेंज रॉक क्या ये डिसीजन ठीक था, आपने एक प्लेयर अपना यहाँ पे वेस्ट कर दिया जहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा कंट्रोल था, बट वीरू के लॉस में अभी भी दे आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट इस वाली फाइट में ऑरेंज रॉक के स्काउट पूरा स्क्वाड खत्म करके वेल्डस का, अब यहाँ पे अगर 3 man स्क्वाड में निकल जाती है ऑरेंज रॉक का स्क्वाड तो फिर दे मस्ट बी हैप्पी, बट नियो वांट्स टू टेक दिस फाइट, गिल को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रॉक कर जाए, यस आखिरी में एक हेडशॉट कनेक्ट होता नजर आया हम लोगों को, नियो कितना आगे जा पाएंगे, कोई फर्स्ट एड उनके पास नहीं है, बैंडेजेस ही मात्र वो लगाते हुए नजर आएंगे, स्काउट बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, मावी भी है उनके पास, अब 1v2 की फाइट रहेगी जरूर, बट एक फर्स्ट एड बहुत ही एक यूजफुल यूटिलिटी रहेगी नियो के पास। अब देखते क्रेट्स उनके सामने है जरूर, वेल्डस के प्लेयर्स की भी क्रेट पड़ी हुई थी इसी वाले कवर के पीछे, सो यस दो फर्स्ट एड आ चुका, अब नियो एक फ्रेश जो एक फाइट होती है वो स्टार्ट कर सकते, बट अब इतना ज्यादा ओपन में खड़े हो कि आप अगर हील करोगे स्काउट और मावी को, सिर्फ एक बार एडीएस कोलन टीएसएम एंटिटी यहां से एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी, बट अब डासिया से एस्केप करने की कोशिश, चल Oh, is that even enough? No. That's a wrong decision. यहाँ पर दो-दो teams की तरफ से गलत decision है। Zone के बाहर की fight शुरू हो जाएगी। 400 meter पानी का area भी देखना है। No doubt आपने finish कर दिया। 6 kills ले लिए। लेकिन orange rock के सामने अब मुश्किल ये है कि zone में कैसे जाएंगे? मावी already पानी में जा चुके हैं। लेकिन पानी में तैरते हुए आपकी speed बहुत कम हो जाती है और पीछे जा खाली छोड़ा। But अब 420 OP का grenade अपने आप को ही knockdown करेंगे। ये छोटे छोटे एरर्स आपको नहीं करने होते ऐसी काइंड ऑफ फाइट्स, बट अब ट्रांस नॉकडाउन हो जाएगी इसी जल्दी, टीम आईएनडी का खात्मा होता हुआ आपको किसी भी टाइम पे नजर आ सकता है। केओजी का ब्रागा अकेले बचे हैं, जोन के अंदर जा रहे हैं स्मोक का एरिया, लेकिन आगे सैरन ने ग्रेनेड किया, ब्रागा माइट बी टेकन डाउन बाय दैट ग्रेनेड, काफी अच्छे तरीके से सूप को भी डाउन वहां पर किया जा चुका है, ब्रागा आगे जा रहे हैं प्ले जोन, केओजी के सूप को लेकर जाता है ओमेगा, उनको 90 के स्लेयर को पिक ऑफ कर लिया, ब्रागा विल बी टेकन डाउन आरसीएस के लूफा के द्वारा, किंग ऑफ गेमर्स का एलिमिनेशन होता है, 7 टीमें बचती है, 420 ओपी उनको रिवाइवल मिल चुका है, लेट्स टू सी अनदर डे, रिजेक्ट्स का
भी एलिमिनेशन यहाँ पर होता हुआ। छह टीम है, 17 लोग जीवित और सर्कल के लिए होगी। 23 मिनट है, 420 में बढ़िया ग्रेनेड हो सकता है, लेकिन बीटा के प्लेयर साइड बाय साइड वहां से मूवमेंट कर रहे हैं। 420 ओपी ऊपर घर के अंदर एक रेड जोन बनाने की कोशिश, लेफ्ट राइट मूवमेंट यहाँ पर जारी। बीटर के रेस अभी भी रुके हुए, आप जाते हैं स्नैक्स अंदर सीधा फाइट लेने के लिए। बीटीआर वर्सेस आईएनडी आउटसाइड द जोन फाइट हो रही है, लेकिन बीटीआर के राइजन काफी डैमेज दिया, स्नैक्स का बचना नामुमकिन हो जाएगा यहाँ पर। आईएनडी के लिए मुश्किलें हो सकती है, बट बीटीआर का एलिमिनेशन पहले होता है। बिल्कुल, एक किल अपने लिए कंफर्म जरूर करा, बट जोन की प्रायोरिटी फॉर श्योर नहीं दे सकते, बिकॉज पीछे से राइजन उन्हें बैकस्टेप कर सकते थे, बट अब ये वाली फाइट जो है टी1 के प्लेयर एमजे वो पहले हील करना चाहेंगे, फिर फाइट लेना चाहेंगे। 9 सेकंड्स और 9 सेकंड में फाइट निकालनी है। जी9 एमजे को लेकर जा चुके हैं, रॉक्सीएल बहुत ही ज्यादा कम है, मुश्किल हो सकती है। रॉक्स ऑल्सो गोस डाउन, अब दो प्लेयर्स बचते गैलेक्सी रेजिस्टेंस के, उनको पीछे से फाइट पूरी अपनी लिए बनानी पड़ेगी। आरआर की B11 वहां पर अपने नॉक्स को फिनिश कर रहे हैं, बट एक बेहतरीन ग्रेनेड यहां पर आरआर के लिए एड हो सकता है। मीनवाइल मेगा स्टार्स के प्लेयर्स वो किल्स जो नॉक डाउन करते थे वो मेगा स्टार के प्लेयर लेके जाते हैं, बट रॉक्स हो जाएंगे फिनिश जरूर, बट उसके पीछे पैराडॉक्स आरआर क्योंकि G9 को करेंगे फिनिश, बट गैलेक्सी रेजिस्टेंस के अल्ट्रॉन ने निकाला आरआर क्योंकि B11 का आखिरी किल। किल्स शॉट से देखिए तो आतंकी बहुत ज्यादा पास है वैक्सी के, पिक्सल देख जरूर क्या होगा, क्या वैक्सी ने नॉक डाउन करेगा, बट नहीं आतंकी नॉक करेंगे एंड फिनिश करेंगे दिस इंटर, बट क्या N4 का एक कवर फायर आएगा। आतंकी को वापस से नजरअंदाज कर दिया गया है, एंड एक बार वापस से आतंकी ने एक और प्लेयर मेगा स्टार्स का नॉट करेगा, इट विल बी अ बिग ट्रबल। बट टी1 का स्क्वाड इस वाली पोजीशनिंग को अपने लिए निकालने की कोशिश करेंगे। टी1 के दो प्लेयर बचे, मेगा स्टार्स का आखिरी प्लेयर बचा है जो कि IGL है उनके, द इन गेम लीडर ऑफ मेगा स्टार्स। कैन ही क्लच दिस वन, 1v2 की सिचुएशन जरूर बनेगी, बट एनकोर को तो यहाँ पे बिल्कुल बचाया जा नहीं सकता। बट अभी मेगा स्टार्स के पैराडॉक्स को अच्छा डैमेज दिया है, बट दोनों साइड से दबोचने की कोशिश रहेगी, बट क्या पैराडॉक्स क्लच कर पाएंगे? द आंसर इज नो ओवर हियर, बिकॉज़ टी1 को जरूर डैमेज दिया गया। सर्कल की बात करें, BTR फिर से सर्कल में सेफर एंट्री उनकी रहेगी। क्लच गॉड वहां पर ओआर के स्काउट को लेकर जा चुका है, TSMNT जाना चाहिए, उन्होंने आगे स्किल पिट पहले भी रीड करी कि ओआर के दो ही प्लेयर्स बचे थे, एक प्लेयर को और को डाउन कर दिया, स्काउट यहां पर पिक ऑफ हो चुके हैं। अब एक अकेला प्लेयर बलता है गिल, आप उनकी हेल्थ देखिए बहुत कम हेल्थ तो लगा लिया, बट विल दैट बी एनफ? उनके ऊपर फिर से यहां पर शॉट्स आए अकेले प्लेयर के ऊपर, यहां पर आते हुए TSM के प्लेयर्स और टेक डाउन भी कर देंगे इजिली। आरके जीनन बॉक्स लुई को लेकर जा चुके हैं इस पूरी फाइट में, इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक बढ़िया ग्रेनेड नहीं होगा यहां पर जाता हुआ, और इन जॉक के गिल के लिए मुश्किल है। उसके पीछे बॉक्स के प्लेयर भी दिख रहे हैं, लुई यहां पर डाउन उसके एक्जैक्टली TSM के क्लच गॉड के द्वारा। गिल की हेल्थ फिर से कम हो चुकी है, अपने आगे के एरिया पर स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स वो जरूर करना चाहेंगे, लेकिन इट विल नॉट बी एनफ, वो कूद चुके हैं नीचे के एरिया पर जा रहे गिल क्लच गॉड के साथ, वहां पर उनकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं आई डोंट नो, बट अब TSM के प्लेयर्स आगे आ चुके हैं और अब मेरे को लगता है गिल विल बी टेकन डाउन, एंड यस TSMNTT टेक्स दिस फाइट, बट उनके सामने एक बड़ा डेंजर है, वो है बॉक्स के प्लेयर्स। यस, और अगर उसको रियलाइज नहीं करेगा तो शायद पनिश भी हो सकते, देख रहे ना, बट स्टिल थोड़े से प्लेसमेंट पॉइंट्स अगर मिल जाए बहुत बढ़िया रहेगा। TSMNTT जॉनथन हैज बीन टेकन डाउन, नियो यहां पर बचे, नियो में पता है बहुत बेहतरीन फाइट्स निकालते हैं, निकालना जानते हैं, बट टी1 की योंजुन के बिल्कुल सामने, टी1 की योंजुन ने जिन्होंने कल के दिन फर्स्ट ब्लड से शुरुआत करी, पहला नॉक उन्होंने पूरे फाइनल्स का निकाला था, अब यहां पर ऑफ करने की बारी आती है। योंजुन G36 उनके पास है, नियो की हेल्थ बहुत कम है और 10 बैंडेजेस है, लगाने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा ऑब्वियसली, तो यहां पर इनको इसी हेल्थ के साथ फाइट लेनी पड़ेगी। वोंट बी इनफ, बट स्टिल इट टेक्स वन डाउन, योंजुन को डाउन कर दिया है। 22 आखिरी गोलियां बची थी और उसके चलते यहां पर टी1 के सेडन ये फाइट अपने हिस्से में लेकर चल चढ़ चुकी है और बेहतरीन फाइट निकालना जानते हुए मेगा स्टार्स, बट विल दैट बी इनफ बिकॉज वायरलेस के वेलमोथ को डाउन कर चुके हैं। अब मेगा स्टार्स सीधा आगे जाएगी, पैराडॉक्स इस बार कोई गलती नहीं करी, बट उनके पीछे प्लेयर है, यस लुक बिहाइंड, पीछे देखा भी था, बट विल दैट बी इनफ? क्राउड शॉट्स काफी बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं, पैराडॉक्स ये हल्की फुल्की गलती यहाँ पर आई थी, मेगा के वैक्सी अभी बचे जरूर हुए, आम जोन की हेल्थ आप देखिए, ही इज जस्ट सर्वाइविंग ऑन द मैजिक पिक्सल, नॉट एनीमोर, बॉक्स के भी में बैक स्टैब यहाँ पर आता हुआ, मेगा के वैक्सी बचे हैं, उनको रिवाइवल यहाँ पर देना पड़ेगा। पिछला गेम खैर अगर हम बात करें सेल्स के लिए कमबैक गेम था ये, अब उनको सीधा आगे जाना पड़ेगा, वैक्सी हील बैटल करने पर मजबूर हो चुके हैं सर्कल के बाहर, और मेगा स्टार्स के प्लेयर वैक्सी को लेकर जा चुका है, मेगा स्टार्स का एलिमिनेशन इसके लिए कमबैक गेम यहाँ पर बन सकता है। श्राइडर हैज बीन टेकन डाउन, यू डू जंप बट किल BTR के राइजन अपने हिस्से में लेकर जाएंगे, स्विच किया अपने आप को, मैन पर रैंक को भी डाउन कर चुके हैं, बिगेट्रॉन रेड एलियंस बेहतरीन लास्ट मेंबर सर्वाइविंग, ड्रैक्स का पोजीशन भी रिवील हो चुका है और उनको भी फिनिश कर देंगे, और BTR एक और बेहतरीन स्क्वाड वाइप करते हुए यूडो गैक के स्पॉट करने की पूरी कोशिश है, सर्कल के बाद दे आर नॉट डूइंग हील बैटल्स राइट नाउ, स्पॉट करके शॉट्स लेने की कोशिश है, इट्स फाइनल जोन राइट नाउ, द फाइनल फाइट, एंड BTR गेट्स डाउन, KOG बिकम्स द चैंपियन इन दिस वन। देखते हैं किस तरीके से इस वाली फाइट को अप्रोच है, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट 90 डिग्री एंगल यहाँ पे मैं बोलूंगा बन चुका और बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया टीम सिनर्जी को।
को, और बीटीआर के प्लेयर्स यहाँ पे टीएसएम एनटीटी के एक प्लेयर को फिनिश करते हुए यहाँ पे जॉनथन भी नॉकआउट हो जाएंगे जक्सी के द्वारा। आखिरी रिमेनिंग सर्वाइवर यहाँ पे क्लच गॉड है, क्या यहाँ पे क्लच कर पाएंगे? जक्सी ने स्पॉट कर दिया, जरूर उनको नॉक दे चुके, बट लेफ्ट हैंड साइड से लक्सी आएंगे उनको फिनिश करेंगे, जिसके चलते भी रहेगा। बट देखते योनजुन का किल फॉर श्योर कंफर्म करने के लिए आरआईक्यू के D2 ही जाएंगे। 6 किल्स ऑरेंज रॉक के पास भी है, बट उसके बाद टीम आती यू लेवल का स्क्वाड प्ले जोन से मल्टीपल प्लेयर्स नॉकडाउन होते हैं। टीम आईडी ट्रांस भी नॉकडाउन होंगे बट फिनिश होंगे ऑरेंज रॉक के गिल के द्वारा। दैट मींस प्लस 1 किल फॉर ऑरेंज रॉक। टीम का मिसाइल का ग्रेनेड जाएगा ऊपर, बट टीम आईडी हैज गॉट एलिमिनेटेड। ऑरेंज रॉक के मावी ने वो फाइनल किल कंफर्म करा। यू लेवल अप के प्लेयर्स दो जरूर रुके हुए इस वुडन शेक पे, बहुत टाइम से रुके हुए, बट अब ऑरेंज रॉक का स्क्वाड उनके सामने है। भाई मिलना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और यू कैन से इम्पॉसिबल ही है यहां से, बट एक मॉलेटो फेंका था D2 के बहुत ज्यादा क्लोज है, बट D2 ही फिनिश करेंगे। अब RRQ का स्क्वाड वर्सेस ऑरेंज रॉक देख रहे हैं, बट स्काउट ने यहां पे स्पॉट कर लिया D2 के, अगर लेफ्ट साइड में ADS और थोड़ा जाता तो नॉकडाउन होता नजर आ सकता है, बिकॉज मात्र एक बुलेट ही बची थी। नॉकडाउन बाय ऑरेंज रॉक गिल, ग्रेनेड सामने से भी आ रहे और भी मल्टीपल ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर, बट स्काउट पिक्स अप वन मोर, बट ऑरेंज रॉक के गिल नॉकडाउन हो जाएंगे। BR11 के ग्रेनेड के द्वारा क्या स्काउट वाली फाइटिंग आ सकता है? वीरू एक और नॉकडाउन करेंगे BR11 को। Orange Rock is close to a chicken dinner. Orange Rock, Viru versus Ernie. ये fight अब 1v1 के आ चुकी है। Ernie क्या ये वाले kill confirm कर सकते हैं पहले, because उनको kills चाहिए। Orange Rock के Viru is barely surviving on that 50% HP. Same goes for RRQ Ernie also. एक intense fight है। Viru बाहर गए grenade फेंकने के लिए, damage जरूर पड़ा है, but ये fight RRQ के Ernie निकाल के जाएंगे। Orange Rock के Viru वहाँ पे grenade फेंकने के लिए रह गए, अगर वहाँ पे उनके हाथ में gun रहे तो शायद different यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं। जोड़ी ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन न्यूडू के प्लेयर्स वही जो हम बात करते हैं ऑरेंज रॉक को दिक्कतें दे सकते हैं, और वही दिक्कतें यहाँ पर हो गई हैं। देयर इज समवन हु इज ऑब्वियसली गेटकीपिंग यू, और वो गेटकीप करना यहाँ पर जरूर उनके अगेंस्ट जाएगा। अब गेटकीप छोड़िए, आप सैंडविच पोजीशन में आ चुके, बिकॉज रिजल्ट स्कारलेट का स्क्वाड भी है और यूडू का स्क्वाड भी। अब ये एक पॉसिबिलिटी बन सकते हैं कि रिजल्ट गिल यहाँ पर फंस जाएंगे। लूफा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूडू गैंग को 1v3 करा, जिस तरीके से ग्रेनेड का यूज आखिरी में स्टार्टिंग में 1v2 की फाइट निकाली, बट गिल एक मैजिक पिक्सल में बचे हैं, बट सारा निकालेंगे उनको। ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को 13 पोजीशन पे, एंड हम लोग वो देखते कितना आगे जा पाते, बट टीम सीक्रेट के UI बैकस्टब होते हुए नजर आएंगे। क्या टीम TSM Entity के जी गॉड वो किल अपने लिए निकाल पाएंगे? यस द आंसर इज यस, दो किल ऑलरेडी हो चुके हैं TSM Entity जी गॉड के पास, बट वाइकर पूरा फिनिश भी करेंगे। टीम सिनर्जी भी उस वाले साइड से फाइट अपने लिए निकालने की कोशिश कर रही है। आप देखिए BTR के Ryzen रिटेलिएशन फायर में आते हैं और ऑस्टिन को पिक ऑफ कर चुके हैं। सिनर्जी के लिए मुश्किल अब यहां से शुरू हो सकती है। इस एरिया में Ryzen और लक्सी बचे हुए, उनको जोन में जाना है, पांचवा सर्कल है, दोनों टीम्स को इक्वल यहां पर लेकर जाएगा, लेकिन टेड आगे आ रहे हैं। टेड और Ryzen एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन Ryzen की हेल्थ यहां पर ज्यादा, उन्होंने बूस्ट भी लगा रखा है, लक्सी भी उनके साथ रहेंगे। So, टेड को आगे जाते थे मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा पीछे ऑस्टिन को यहां पर छोड़ना पड़ेगा। दे कांट टेक दैट रिस्क, व्हाट इज ए ग्रेनेड उनके पीछे पड़ा था। Ryzen अकेले जो बचे हैं, इनके अकेले बचे रहने में ही इनकी यहां पर खराबी हो सकती है। ऑस्टिन जा रहे, ही कैन टेल द लोकेशन, सीर भी पीछे और ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं अभी के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन, सीर भी टर्न अराउंड, यू हैव टू गो 180 एंड Ryzen अभी बैठे हुए, ऑस्टिन उस एरिया में आ चुके हैं। ऑस्टिन के टेल द लोकेशन, विल ऑस्टिन डू इट? ऑस्टिन ही इज राइट बिहाइंड यू। ऑस्टिन ने अभी देखा जरूर है, बट ही गोस डाउन, बट Ryzen ये जीवन दान मिला है डॉक्टर Ryzen को। पांच फर्स्ट एड्स है, क्या ये पांच फर्स्ट एड्स इनको आगे लेकर जाएंगे? टीम आईएनडी अब सिनर्जी को हंट कर रही है, और स्टेड अकेले बचे हैं, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए तो मुश्किलें हो सकती हैं। ही माइट बी गोइंग डाउन, एंड यस ही डज, बिल्कुल। बट स्लैग्स ने नॉकडाउन जरूर फिनिश कर रहा था टेड को, बट फिर स्लैग्स नॉकडाउन हो जाएंगे मेगा वैक्स के द्वारा, बट ऑस्टिन विल बी लाइक तुम्हारे पीछे प्लेयर था, आपको एक और किल मिल सकता था, बट टीम आईएनडी को बैकस्टॉप करने के लिए फॉर श्योर Ryzen उस वाले रिच पे आएंगे। क्लियर 420, बट पीछे से एक प्लेयर जो फोर्स लगाते हुए नजर आए, बट जॉनथन नहीं रुकने वाले, बॉक्स के लुइस को उन्होंने नॉकडाउन करा, बट लोकी क्या वो उनको भी पूरा फिनिश कर सकते हैं? एक वापस से रिफ्लेक्स बाहर आता हुआ नजर आया, दैट वाज अ ग्रेट रिफ्लेक्स, जिस तरीके से जॉनथन ने उस पिकअप ट्रक के पीछे स्पॉट करा, बिकॉज पहले उन्होंने देखा कि आ रहे हैं प्लेयर्स, बट क्या गॉड रिफ्लेक्स था, लाइक जॉनथन ने जिस तरीके वो सिचुएशन संभाली, मेरी ख्याल से तो वहां पे वो नॉकडाउन होने चाहिए, बट he was god in that position, he is actually god in that position. This tarike se fight aaye the box ke do players bache hain, mega stars aage move kare RRQ ke against, ye fight ho sakti hai, mega stars is bar fight apne se mein lekar jana chahenge, lekin RRQ aise areas par fight nikalni aati hai, aur G9 grenades kar zarur rahe, ka ek grenade jayega box ke break ke bilkul body ke paas phatega, but Loki is last man standing, kya aaye wala grenade ek aur jaake phatega, and the answer is yes, box ke Loki knock down ho jayega Neo ke dwara, but Loki ka jo
ग्रेनेड था, जी गॉड को पूरा फिनिश करके था मेगा स्टार के एंड को नॉक डाउन। टीम आईएनडी के प्लेयर्स उन्हें लगातार बैक स्टेप कर रहे, बट टीएसएमएनडी के प्लेयर्स उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से होल्ड जरूर करके, बट नियो देखते किस तरीके से वाली फाइट निकालेगा। पे मैं रिवाइव जरूर दे रहे, लो इसको वापस स्पॉट कर चुके, एक हेड जरूर कनेक्ट कर रहा था, बट वापस से एक डमी कार के पीछे कवर लेके बैठे। एक प्री फायर यहाँ पे जरूर चाहिए रहेगा, बट पीछे से दो प्लेयर आएंगे एंड नियो को टेक डाउन करेंगे। ये गेम उनके हिस्से चला जाएगा बिकॉज़ फोर्ट नियो के पास ग्रेनेड है, ही गोस डाउन। वन प्लेयर लोकी हैज नथिंग फॉर हिमसेल्फ, बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लेफ्ट देखेंगे राइट से गोलियां पड़ेंगी, राइट देखेंगे लेफ्ट से गोलियां पड़ेंगी, हिज गेम माइट बी गोइंग अप एंड यस इट इज। आरआरक्यू एक और गेम बेहतरीन अपने हिट थोड़ा सा अलग अपनी टीम से, बाकी आरआरक्यू के प्लेयर्स आगे, यूडू के प्लेयर्स भी यहां पर, लेकिन नियो आते हैं, G9 को पिक ऑफ करेंगे, नॉक फिनिश्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और अब आरआरक्यू के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। जी हां, यहां के प्लेयर 11 के ऊपर भी यहां पे नॉक जाएगा, जी गॉड का पीछे मौजूद है यहां पे D2E नीचे ना, जो आपके ऊपर फाइट लेना बहुत मुश्किल होता है, क्यों फिनिश हो चुके, अकेले बचे थे एंड उसी के चलते 12 टीमें हमारे पास रहेंगी, 40 लोग जीवित है और आरसीएस अब वो फंस सकते हैं, जोन है उनके काफी करीब है, लेकिन आप देखिए तात्मक और पैराडाइज के बीच में अगला सर्कल जा रहा है। अब इस सर्कल में वीरू जो अपनी टीम से अलग थे, ही कैन जस्ट गो इन और सर्कल में एक अच्छा एरिया रख सकते हैं। मीनवाइल TSMNT यहां पर बहुत बेहतरीन फाइट निकालने के लिए अपनी शुरुआत कर चुके हैं, एक प्लेयर नियो थोड़ा सा आगे है, लूपा इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग बट ही विल बी टेकिंग डाउन प्लेयर्स बाय प्लेयर्स इस एरिया में, बट जी गॉड आएंगे पीछे से बीइंग दैट एब्सोल्यूट बैकबोन ऑफ द टीम, और अब TSMNT और सारे किल्स निकाल रहे, लेकिन 17 सेकंड बचे, राइडर्स के प्लेयर्स उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। PTR को फिर से सर्कल जाता हुआ यहां पे फिर से एक हार्ड शिफ्ट देखने को मिला जोन का, और यहां पे टीम सीक्रेट के रेक्स ने यहां पे टीम TSMNT के प्लेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पॉट करा था, बट जॉनथन का यहां पे बहुत ही अच्छा रिटेलिएशन फायर आता हुआ, रेक्स यहां पे हो चुके हैं नॉक, मैट चली जा चुके, स्लेयर भी स्पॉट आउट हो चुके थे, बट 420 का शानदार ट्रेड फायर नॉक आता हुआ गैलेक्सी रॉक्स को नॉक कर बैठे। आज के दिन 420 ओपी भी आईएनडी की तरफ से अगर हम बात करें वो अच्छा खेल रहे, नियो की बात करें TSMNT से अच्छा खेल रहे, सब प्लेयर्स अपने बेहतरीन गेम प्लेस गए, बॉक्स लुइन ने सेल्स के इलेक्ट्रॉन को डाउन कर दिया है, अभी के लिए मार्टिन ने ऑरेंज जॉक के मावी को डाउन कर दिया, अब रोटेशंस के अंदर यहां पे पिक ऑफ हो सकते हैं, स्काउट भी डाउन हो चुके हैं, ऑरेंज जॉक के मावी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, वीरू और गिल बचे, इन दो की जोड़ी रहेगी, पीछे से वीरू को शॉट पड़े लेकिन उनको आगे जाना पड़ेगा, ये आगे जाने वाला फोर्स जो किया गया वीरू को वो उनके लिए चेंज कर सकते हैं, TSMNT वो जोन के साथ भी फाइट ले रही है और आगे मूव कर रही है। सर्कल हमारा पैराडाइज रिसोर्ट के इस एरिया पर जा रहा है जहां पर पीछे एक हल्का सा घर रहता है, उस घर को जिससे होल्ड कर लिया गेम उसका हो सकता है, यू डेवलप के प्लेयर्स को एलिमिनेशन यहां पर हो चुका है, वीरू अपने आखिरी फर्स्ट एड लगा रहे हैं, इसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता, बस 10 बैंडेजेस है, कोई बूस्टर्स नहीं है कुछ नहीं, इनको अकेले उसके साथ फाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि गिल भी वहां पर डाउन हो चुके हैं, और TSMNT वो रश इन करना चाहेगी किसी भी हाल में, 9 टीमें बची हैं, 21 लोग जीवित है, TSMNT के प्लेयर्स धीरे-धीरे फिनिश हो रहे हैं, पीछे जॉनथन की वेल थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट ही स्टिल सर्वाइविंग एट 75% हेल्थ, अब 8 टीमें बचती है, जॉनथन गोस डाउन, वीर अकेले बचे हैं, 1v1 की फाइट है, पीछे नहीं देख रहे, पीछे से कोई प्लेयर आ सकता है मुश्किल उनके लिए हो सकते हैं, क्लच गॉड अकेले बचे हैं, वीर वर्सेस क्लच गॉड, ये फाइट इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए, पीछे से जोन भी आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, सिनर्जी का एलिमिनेशन हो चुका है, वीरू ने स्पॉट किया, क्लच गॉड ने भी स्पॉट किया, ऊपर से आ रहे वीरू, क्या डैमेज इतना पुका, यस इट वाज वीरू ने डैमेज दिया और ये फाइट अपने नाम के अंदर भी प्रवेश करेंगे, बट जक्सी को ऑलरेडी पता है टीम आईएनडी किस दिशा से आ रही है, ऑरेंज रॉक के वीरू को यहां पे लक्सी ने फिनिश कर दिया और इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुके हैं इस गेम से बाहर। टॉप 3 टीम्स बचती हैं, योनशन इज डूइंग हील बैटल, BTR का ये गेम जा सकता है, एक बंदा हील बैटल कर रहा है, आखिरी फर्स्ट एड है उसके हाथ में, BTR दे आर एब्सोल्यूट विनर्स इस गेम के अंदर, नो नीड टू से इट, योनशन ही इज जस्ट गोइंग डाउन, BTR दे आर सिटिंग आउट देयर, प्रेडिक्शंस रेवोल्यूशंस प्रेपोजिशंस कुछ भी आप बोल लीजिए, BTR उस सक्सेस जोन के बाहर जा रहे हैं जस्ट टू फाइंड अ प्लेयर, बट ऑब्वियसली दिस इज इट एंड बिगेट्रॉन ई-स्पोर्ट्स आराम से अपने लिए गेम बना ले। TSMNT के प्लेयर्स हर साइड से चकरने की कोशिश करेंगे, क्या क्लच गॉड, ही वाज यूजिंग लाइक एक गेम विद 4x, अगर वहां पे सोचिए अगर M416 होता तो वहां पे कंफर्म एक नॉक था, बट एक अच्छा खासा स्प्रे जरूर नजर आया था हम लोगों को, बट MJ ने वहां पे अपने आप को हील कर लिया, बट जॉनथन का एक और नॉक आता हुआ नजर आएगा, देखते हैं आतंकी तो हो जाएंगे यहां पे फिनिश, बट अल्ट्रॉन और MJ देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से वाली फाइट को डिले करेंगे, तो फिर अपने नाम निकालेंगे, बट नियो आगे जा रहे हैं कवर फायर के लिए, जी गॉड जरूर रहेंगे, बट MJ को नॉक आउट करके जी गॉड अल्ट्रॉन बचेंगे जरूर, आखिरी में फॉल बैक करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट इसी के चलते गैलेक्सी रेसर्स सेल्स को एलिमिनेट करेगी वन साइडेडली टीम TSM कुछ एंगेजमेंट मिले बिकॉज उनके पास उनका ये वाला सर्कल था, बट अभी देखते हैं किस तरीके वाले फाइट के लिए टीम आईएनडी की 420 ओपी ने लक्सी को नॉक डाउन कर दिया, सामने से ट्रेड फायर आएगा, बीआर 11 ने 420 ओपी नॉक डाउन कर दिया, टीम आईएनडी के दो प्लेयर बचे, ट्रांस देखते किस वाली फाइट निकालेगा, बट फिर नॉक डाउन हो जाएंगे, लास्ट मैन स्टैंडिंग टीम आईएनडी, ट्रांस सामने से फाइट है, पीछे से फाइट है, बट टीम आईएनडी हैज गॉट एलिमिनेटेड, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा जल्दी कर दी उन्होंने, थोड़ा सा डिले, थोड़ी सी चिंताजनक परफॉर्मेंस उनकी तरह देखने को मिलेगा, क्लच गॉड ने थर्ड पार्टी करा है, ऊपर एक और प्लेयर नॉक डाउन है, यूडू का स्क्वाड फिनिश हो जाएगा, जंपर वन हैज गॉट इट, अब इस चीज का फायदा जरूर उठाएंगे, लुइस को यहां पे जरूर स्प्रे करा, बट लुइस ने एम मोमेंट पे प्रोन कर रखा था, बट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए, चाक्शन जरूर नॉक हुए थे, बट उसके बावजूद यू लेवल स्पॉट करेंगे,
अगर स्पॉट करते हैं क्या उनको नॉक करेंगे, बट फिलहाल आरआरक्यू के प्लेयर्स काफी करीब आ चुके हैं। बीटीआर के टीएसएम एंटिटी के जॉनथन ने अपने बगी से छलांग लगा ली, राइजन ने यहाँ पे स्पॉट कर रखे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को, कब शॉट लेते, बट उससे पहले अर्नी यहाँ पे अपना किल जरूर कंफर्म करेंगे। बिल्कुल उनके नीचे जक्सी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड से भी शॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट केओस का सिचुएशन चल रहा है, सारी टीम्स एक दूसरे पे भारी हो रहे हैं। श्राइडर वहां पे नॉकआउट हो चुके हैं, श्राइडर को फिनिश भी कर दिया, बट राइजन यहाँ पे नियो के ऊपर हावी हो रहे थे, बट टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड उनको फिनिश कर देंगे, जिसके चलते बीटीआर की स्क्वाड हो चुकी है एलिमिनेट। बट अभी तक खतरा टी1 स्प्लिट फिर से देखने को मिलता हुआ G9 की तरफ से, यहां पे आरआरक्यू ऑन द वर्ज ऑफ अ गुड चिकन डिनर। G9 का यहां पे नेट जाता हुआ क्लच गॉड हो चुके नॉक, बट मवी का रिटेलिएशन फायर आता हुआ G9 को इंस्टेंटली नॉक किया, एक ही सांस में उनको फिनिश कर बैठे। मवी फिर भी कोशिश कर रहे हैं, यहां पे पेयर 11 को स्पॉट कर चुके और ये दूसरा नॉक आता हुआ। हाल ही में टीएसएम एंटिटी भी एलिमिनेट हो चुके, बट सिनर्जी के प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। स्काउट और गिल एक चट्टान के पीछे, अब ऑल दिस केओस अभी भी पानी के अंदर तैर रहे हैं। आरआरक्यू के पेयर 11 कॉन्सेप्ट को नॉक करते हुए गिल ने उनका किल जरूर चला लिया। गिल वापस आ चुके हैं, यहां पे लैंड मास ले चुके और यहां पे कैर बरसा रहे। सिनर्जी के टेंट अभी भी तैर रहे, शाउंड यहां पे आ चुकी है आरआरक्यू के प्लेयर्स को और उसका फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। मवी और स्काउट एकजुट होकर पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। गिल यहां पे आई थिंक वेट करेंगे, उसके बाद गिल यहां पे उनके किल जरूर निकालेंगे। बट यहां पे मवी को भी स्पॉट कर दिया गया और निका नॉक आता हुआ। स्काउट यहां पे बचे थे, निकलने की कोशिश की, वापसी पानी के अंदर चले गए। कितने देर तक जिंदा रह सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर स्काउट यहां पे एक ओपनिंग निकाल के दे रहे तो गिल का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बट स्काउट जा रहे हैं मावी को रिवाइव देने के लिए, कोई कंफर्मेशन देखने नहीं वाला। बट एक लो टॉस ग्रेनेड जाएगा, क्या अर्नी का ये ग्रेनेड फूटेगा, एंड द आंसर इज यस, मावी हो जाएंगे फिनिश एंड स्काउट हो जाएंगे नॉक। क्योजी के ब्रागा आराम से प्रोन डाउन, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक ही रिच के पीछे, बट ऊपर से आप हो जाएंगे स्पॉट, ब्रागा नॉक डाउन हो जाएंगे, अब मे बी फिनिश हो जाएंगे। ओके ये What was that? ये क्या था? ब्रागा के बॉडी के ऊपर चढ़ के बैठे, बट अब सामने गिल रहेंगे, ब्रागा को पता तक नहीं चला। बट D2 ही कितना लेट उन्होंने स्पॉट करा, बट देखते गिल कितनी देर से ये वाली फाइट निकाल पाएंगे। उनको पता है कि अब उनके ऊपर आ चुके, एक किल जरूर रहेगी, बट ये वाली फाइट गिल जरूर निकालेंगे। एक नॉक किया उन्होंने, बट अर्नी का एक बियर 11 का पीछे से एक कवर फायर आएगा, ऑरेंज रॉक हो जाएगी वहां पे एलिमिनेट। बट ये फाइट टीम सिनर्जी का टेड अभी भी जिंदा है और ये स्पॉटिंग आरआरक्यू के प्लेयर्स ने कर रखी है। अर्नी ग्रेनेड फेंक रखा राइट साइड पे, ग्रेनेड आता तो टेड हो जाएंगे फिनिश, बिकॉज उनके पास अब कोई चारा नहीं है, उनके पास हेल्थ ही अब 40% बची हुई है मात्र। सिनर्जी के टेड, सिनर्जी की ऐसी टीम, बहुत ही अर्ली इन्होंने छलांग लगा ली थी पानी में और वही पे आके सर्कल बना और टेड काफी देर तक जिंदा रहे। बट कितने देर तक, ऑलमोस्ट आरआरक्यू का चिकन डिनर हो चुका है। अब अगर आप मिनी मैप देखो तो जोन क्या टेड के ऊपर बना हुआ है, उनको आगे जाने की जरूरत है कि नहीं, बट आरआरक्यू के प्लेयर को फॉर श्योर आगे जाने की जरूरत है। आप देख सकते हो D2 ही ऑलमोस्ट आ चुके अंदर विदाउट हील और अर्नी बाहर रहेंगे, बियर 11 भी बाहर रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग फाइट, वॉट अ जोन आपको PMWL के फाइनल्स में देखने को मिलेगा, जहां पे नोवा जोन होगा क्लोज इन फाइनल सर्कल की फाइट। D2 स्विम करते हुए नजर आएंगे सिनर्जी टेड के पास, ए ड्रॉप मात्र सिर्फ एक डमी ए ड्रॉप बन के रह जाएगा, बिकॉज उसमें ऑम है तो भी कोई फायदा नहीं है। बट सिनर्जी टेड जाके एक बार हाई बोलेंगे, मैं चाहता हूँ कि ऑल पे जाके एक बार लाइक कुछ कॉन्वर्सेशन हो, क्या कॉन्वर्सेशन है वो भी अगर हमें पता चल सकती है तो दैट वुड बी बेटर। बट बियर 11 भी आएंगे, अर्नी भी आएंगे, बट टेस्ट मार्केट D2 को फिनिश करा। ओके वहां पे क्या एक अभी भी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे क्या टेड खड़े होके वो गन निकाल के मार सके, बट अर्नी के पास अच्छी खासी हेल्थ है। बट आखिरी में ये फाइट कुछ गलत ही रहने वाली है। अब पता नहीं इसको हम लोग कास्ट कैसे करें, लाइक दिस इज Like first time for me also. Let it breathe. I think हम लोग को देखना चाहिए आराम से बैठ के हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे We can do that, but Synergy के टेड कुछ ज्यादा ही आगे पीछे हो रहे हैं, ये कुछ different fight, but अब क्या वो ऐसे damage देने की कोशिश कर रहे हैं सर मार के। ओके अभी भी कोशिश जरूर चल रही है और नहीं दूर थोड़ा सा दूर बैठे, बट बियर 11 थोड़ी सी फाइट लेता जरा, बट सिनर्जी टेड के हाथ में क्या वो गन आई थी, वो एक चांस क्या बन सकता है। बट बियर 11 की मेरे को समझ नहीं आ रही कि हेल्थ कैसे कम हुई इतनी, बट अर्नी की हेल्थ अगर हम बात करें दोनों साइड से जकड़ लिया जाएगा तो टीम सिनर्जी टेड ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बट अभी लाइक वो पत्थर अगर जोन में रहा लाइक अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जोन तो अब है नहीं, अब हील बैटल आपका जोन आ चुका है, लाइक दिस इज द एंड जोन डेथ सर्कल। टीम सिनर्जी टेड अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बीटीआर यहाँ पे बियर 11 माफ कीजिएगा, ये कास्टिंग कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है। आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट इट, बट अर्नी थोड़ा सा दूर जा चुके हैं, टीम सिनर्जी के टेड अब स्विम करके वापस से उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, बट स्टिल वी कैन एंजॉय दिस।
एब्सोल्युटली इसको एंजॉय ही करने देंगे. और यहाँ पे अगर फाइनली अगर हील बैटल की तरफ जाता है तो अर्नी की एचपी जरूर है. बट एक बहुत ही फनी मोमेंट इतने इंटेंस टूर्नामेंट में देखने को मिले आज तक ऐसा सर्कल आई थिंक बहुत ही रैली देखने को मिला. बियर 11 को भी फिस्ट कर दिया टेड ने. ओह माय गुडनेस, इनको गन की जरूरत नहीं, इनको बस हाथ पकड़ा दो, यहाँ पे काफी है आरआरक्यू के साथ डील करने के लिए. और आई थिंक एक अच्छे पंच फाइट हो रही है. बट फाइनली आखिरी में जो एक स्प्लिट डैमेज था वो टेड ने दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फिस्ट रहती है. बट आरआरक्यू अथीना निकाल के जाएगी वो वाला. 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है टीम आईएनडी और ऑरेंज रॉक के बीच में, लेकिन टीम आईएनडी और आरआरक्यू अथीना वहां पे 40 टीम्स कितना फंबल अप करती हैं. रिजेक्ट स्कारलेट, यस से क्या थे लाइक मेनली यही था कि 1v3 था, तो मतलब पहले सोचा था शायद 1v2v1 है, लेकिन एंड में पता लग गया था तीन बंदे आरआरक्यू के ही हैं, तो यही था कि उनको किल नहीं देना फिर. लेकिन जब वो क्लोज आए तो मैं मतलब अगर रिच की तरफ को मूवमेंट पैड कर रहा था तो लाइक मेरा गन इक्विप हो रहा था हाथ में, तो मैंने वही ट्राई किया कि मैं शूट कर पाऊँ उनको. और लकीली पहला वाला जो बंदा था उसको एक फेस पड़ गया, तो वही था फिर 1v2 बचा. फिर जोन भी आ रहा था लाइक श्रिंक हो रहा था, तो उसको ट्राई किया वहाँ पर फेस करने का, लेकिन नहीं हुआ. फिर मैंने मतलब दोनों ही गन अपनी अनइक्विप कर दी थी, तो मतलब जोन के जो रिच था उसके राइट साइड से होके मैं गया, तो वहां पे एक और बंदा मिला, उसको भी मतलब एक और फिस्ट लगे लिए पड़ गया. और लास्ट वाला बंदा को भी मतलब दो फिस्ट तो पड़ा था उसे, पर वो जोन का डैमेज एक्चुअली ज्यादा बढ़ गया. मैं ऑलरेडी शायद 50 एचपी था, तो उसकी वजह से मिस हो गया. या इट वाज सो क्लोज येट सो फार, वो चीज जरूर है उस तरफ से, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द टीम्स वहीं पे रहेंगी, तो उसकी वजह से लेट देम कम इफ दे आर देयर. Hi, Shredder. Yeah, give a quick. So, thought process ये रहता है कि हम जो ब्रिज के ऊपर वाला क्या कहते हैं चर्च वाला कंपाउंड होता है, हम उनके नीचे. और इसी के साथ आपकी टीम जो है टॉप 10 में स्टैंडिंग्स के एंटर भी कर चुकी है, तो उम्मीद करेंगे कल के जो मैच है